ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं बहुत ही खास जगह पर, जहाँ पे अभी तक जीवन में दोनों में से कोई भी लोग नहीं गए हैं। तो जा रहे हैं और मेरी बटर भी जा रही है, तीनों लोग एक साथ वहाँ पे जा रहे हैं। हाईवे बन जाएगा तो उतना ट्रैफिक नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए दुर्गा पूजा का ना तैयारी हो रहा है। देखिए ये सर पूरा पंडाल जबरदस्त बन रहा है ना। इधर लग रहा बहुत बड़ा कोई वो हो रहा, सब स्कूल का वो लगा है प्रचार प्रचार। 100 फुट पब्लिक स्कूल, साइंस पब्लिक स्कूल, पता ना कौन कौन, गैलेक्सी मोटर्स सब अपना प्रचार कर रहे हैं। वहाँ जा रहे हैं, देखिए बाबतपुर जा रहे हैं। बाबतपुर ना यहाँ से 22 किलोमीटर अभी दूर है एयरपोर्ट। क्या जीवन में पहली बार एयरपोर्ट जा रहा हूँ। इधर का रास्ता बढ़िया है ना, एकदम मस्त है। और यहाँ पे मेरी बटर तैयार हो गई है दो छोटी बांध के। जाना है दोस्तों, अब हम लोग पहुंचने वाले हैं। ये देखिए लाल बहादुर शास्त्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एंट्री कर लिए ना? हाँ, पास लेता होगा, पता नहीं। चलिए चले हैं, पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट और जीवन में पहली बार आए हैं एयरपोर्ट देख रहे हैं। हाँ, अभी पता ना कब चढ़ेंगे हम लोग। ये देखिए एयरपोर्ट बनारस से 28-30 किलोमीटर की दूरी पर है। नो पार्किंग में गाड़ी खड़ने में 500 रुपए जुर्माना, कार के लिए 20 रुपए, 0 से 30 मिनट तक। ओ ये क्या बोल रहे हैं, आगे एयरपोर्ट यहीं पे लगा दीजिए। ये देखिए यही है एयरपोर्ट। पहली बार तो हम लोग गा रहे हैं एयरपोर्ट। चलो हवाई जहाज पे नहीं छोड़े, कम से कम एयरपोर्ट तो देख लिए। सही बात है कि नहीं? तुमको ज्यादा मन कर रहा था। हमको एयरपोर्ट आना था और पता ना अंदर कब जाएंगे, बाहर से देखना होगा। तो अब हम लोग अपना गाड़ी यहाँ पर पार्क कर दी है, देख सकते हैं लगा दी यहाँ पे। और अब हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं कितना तक जाना अलाउ है। हम लोग अंदर जाने नहीं ना देगा? अरे जहाँ तक रोक देगा ना तहीं रुक जाएंगे, क्या दिक्कत। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, हम लोग भी महान है, घूमने के लिए आए हैं एयरपोर्ट। बहुत लोग जाते हैं, हम लोग भी आ गए। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में, हरा भरा। देखिए सब खेल रहा बच्चा सब। ए रुकिए, कितना जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, क्या हुआ? हम लोग का पर्चिया नहीं काटा है तो शायद ज्यादा टाइम ले लेगा। तो बढ़िया है ना, आप पैसा देना चाहते हैं क्या? यहाँ पे देखिए बड़ा पाव का रेट, समोसा 2 पीस 100 रुपए में, ये देख सकते हैं है बड़ा पाव 120 रुपए, और वो सैंडविच है 120 रुपए। साला इतना महंगा सामान, समोसा 100 रुपए का 2 पीस, बड़ा पाव 120 रुपए पीस जो 10-15 में मिलता है। एयरपोर्ट पे सामान खाने पीने वाला बहुत महंगा मिलता है। क्या है स्वाति, सामान ले जाने के लिए ट्रोली ओली जो है ना इसी पर रख के अंदर जाएगा। हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ना इसको? हाँ, जो आएगा सो इस्तेमाल कर सकते हैं। देख सकते हैं वहाँ पे कितना सारा रखा हुआ है, इसको घर भी ले जा सकते हैं। नहीं तो कैसे पता चलेगा? इसके ऊपर रख के ले जाने के लिए है। अगर इसको घर अभी चाहे तो ले जाए, कौन रोकेगा? पता ना कैसे। अभी तो क्या सब लोग सामान रखे है ना वहाँ पे। देखिए ओला बुक करने के लिए अगर कोई आ रहा है वहाँ से, ओला बुक कर लीजिए आराम से। देख लीजिए वहाँ पर, वहाँ पे वहाँ से ओला बुक करेंगे, सीधे जाएंगे कहाँ? लेकिन अभी आए नहीं है। बैटरी सो गई है। चलिए देखते हैं कहाँ तक जाना अलाउ है। बढ़िया पार्क है, गाड़ी घोड़ा कितना लागल हुए है। और ये देखिए यही वाला है ना, सामान मान ले जाने के लिए। तुम सही से बताओ तुमको कैसा लग रहा है? हमको अच्छा लग रहा है, सोच रहे काश अंदर तक जाना। हवाई जहाज पर चढ़ के उड़ जाते। वहाँ एंट्री लिखा है ना, वहाँ से अलाउ नहीं होगा अंदर जाना। यहाँ से ना देखिए, यहाँ D2 लिखा है का? D2 वो लिखा रहता ना आपको किस में जाना है, वो तो टिकट पे ही लिखा रहता है ना। एयरपोर्ट हम वीडियो काफी देखे हैं एयरपोर्ट का, उसमें लिखा रहता है ना कि आपका फ्लाइट जब है ना उससे 2-3 घंटा पहले आइए। यहाँ पे बहुत प्रोसेस होता है, सामान चेक होगा ये वो। यहाँ पे लिखा हुआ है D2 प्रवेश एंट्री, देखेंगे आओ। अंदर क्या क्या नहीं ले जाना है वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। सारी जैसे ट्रेन में दिखाता है ना कि आपका गाड़ी आने वाली है, लेकिन यहाँ पर भी समय दिखा रहा है।
तुम्हारी फ्लाइट कौन से है? कोई भी नहीं। हम लोग जैसे भी लोग गए होंगे ना। हम ही लोग हैं ऐसे। नहीं नहीं, ये देखिए, ये है D1। थोड़ा बहुत घूमते हैं, उसके बाद कहीं चला जाएगा। और वो देखिए वहाँ पेटीएम कार्ड भी है, वो देखिए वहाँ पेटीएम कार्ड भी है। वो क्या है पता नहीं, क्या है पता नहीं क्या है। छोड़ दीजिए, वो सब छोड़िए, थोड़ी जो समझ में नहीं आता सब लगा भाई, जो समझ में नहीं आता उसको छोड़िए, वहाँ पे बैठा जाए। चलो सबसे घूम रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा बैठते हैं। अब बाबू मेरी सो गई है, गोद में इसको लिए हैं, चलो बैठा जाए। हम लोग बस घूमने आए, हम लोग जैसे बहुत लोग आए होंगे। सही बात है, घूम भी तो लिए यहाँ पे, एक समय आएगा अंदर भी जाएंगे। आप लोग सच सच बताइएगा कौन कौन ईयर को मतलब वो हवाई जहाज पे चढ़े हैं, बाहर भी कौन कौन लोग, बाहर से कौन कौन लोग देखे, ये भी पूछो। तो ये भी तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि और जहाँ तक एयरपोर्ट भी तो नहीं रहता है, जो गांव के होंगे वो कैसे गए होंगे सब लोग। बाहर से लोग देख लिया ना, वही ढेर है, समझ रही है। हाँ भाई, हम लोग जैसे मिडिल क्लास सबके लिए नहीं है, हम लोग जैसे लोगों के लिए कि नहीं। लेकिन गर्मी बहुत हो रहा, अंदर जाते तो एसी उसी भी लगा रहता। वहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी का, ये देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी का बड़ा सा मूर्ति बना हुआ है, और पार्क भी है ना। हम दोनों एक जगह बैठे हुए हैं, और हम लोग को डर लग रहा है कि पूजा के पूछ हम थे कि आप लोग का ट्रेन कब है, ट्रेन नहीं हवाई जहाज कब है। ऐसा हम लोग जैसे बहुत लोग आए होंगे, ऐसा हम लोग जैसे सब बेरोजगार थोड़े होगा कि यहाँ आज आ गया होगा सिर्फ देखने के लिए। कहीं कोई पूछ देगा कि आपका फ्लाइट कब है, कौन सा फ्लाइट है, तब क्या बताओगी? हम बोलेंगे ना हम आए हैं टिकट के लिए, हमको जाना है बाहर। लोग जा रहे हैं उधर तक घूमने, उधर गाड़ी है देखिए ना, देख लीजिए। हाँ देखिए, एक सीट गेट है A1, निकलने वाला है ना। लिखा हुआ है नो पार्किंग फाइन 500, ये ना। हाँ देखिए, नो पार्किंग फाइन 500, फिर भी गाड़ी खड़ा है। स्वाति ये क्या है देखो तो, B1 टैक्सी, B2 टैक्सी, B3 टैक्सी, B1 B2 क्या है मुझे नहीं पता, इतना आपको नहीं पता तो हमको नहीं पता होगा। सही बोल रही हूँ, आप कहाँ चला जाओ बताओ। यहाँ पे टैक्सी सीट बुक करने के लिए बढ़िया है, आप कब लेके यहाँ से हमको कहीं जा रहे हैं? फ्लाइट पर चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो ठीक है, तो लेके कब जा रहे हैं? और बराबर चढ़ते रहना, ये सबसे बड़ी बात है, पता चले कि आज फ्लाइट पर तुमको चढ़ा दिए, फिर कल जनरल बोगी में कुछ न कुछ हो रहा है तब। नहीं, जनरल में तो कभी भगवान ऐसा करेंगे नहीं, अभी तक हम जनरल का मुंह नहीं देखे हैं। तुमको चढ़ाएंगे तो चढ़ाते रहेंगे बर्मा हो, समझ रही है, बराबर चढ़ाते रहेंगे तुमको, जरूरी नहीं है चढ़ाते। हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, और ये देखिए कितना अच्छा पार्क है, पार्क बहुत अच्छा है, लेकिन अभी एंट्री नहीं है, बंद है सब। तो अंदर रील उल बनाने के लिए बड़ा बढ़िया जगह है, टिकट पहले चेक कर रहे हैं फिर अंदर जा सकते हैं, अंदर जाने अलाउ नहीं है, इतना तक घूम लिए तो चलिए अब चलते हैं। ये स्वाति एक चीज देख लिया जाए, ट्रेन उड़ते समय ट्रेन कहा था नहीं, जहाज हवाई जहाज में थोड़ी दिखेगा, उधर उस साइड में चला जाए, चला जाए, बहुत हो रहा है। एक फ्लाइट उड़ के गया, देख लीजिए ये कैमरा ऑन करने में लेट कर दिए, वरना दिखता है अच्छे से, फिर भी दिख ही रहा ना। हाँ हाँ, तो अब हम लोग एयरपोर्ट से निकल रहे हैं, देख लीजिए ये एयरपोर्ट का सीन, इधर से इधर से इधर से, अब हम लोग जा रहे हैं हवाई जहाज को देखने। साथी इन लोगों को हवाई जहाज दिखा दो उड़ते हुए, इनको हवाई जहाज दिखा दो उड़ते हुए, आप लोगों को दिखा रहे हैं, उधर से जाना पड़ेगा, पता कर लिए। और एक बात और है कि सिर्फ आने जाने का ये सिर्फ एक ही रास्ता है, यही रास्ता है आने का और जाने का, नहीं तो तीनों साइड बंद है ना स्वाति। जैसे ट्रेन में रहता है ना ये स्टेशन पर, इधर से भी और उधर से भी, लेकिन इधर एक ही साइड है।
अब हम लोग आ चुके हैं अपने गाड़ी के पास, जहाँ गाड़ी पार्क किए हैं। देख लीजिए यहाँ पर गाड़ी पार्क किए हैं, और ये देखिए एयरपोर्ट लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और यहाँ पर गाड़ी देख लीजिए कितना सारा लगी हुई है। जा रहे हैं आप लोगों को हवाई जहाज दिखाने, खुद देखने के साथी। और हमारे सीट पे कहाँ बैठा दी इसको, हटो हटो, एसी चालू कीजिए। हाँ तो हटो हटो, धूप किया है ना, बोल रहे फोटो लो, फोटो लो, दिमाग खराब कर। हाँ देख रही है गाड़ी चला रही है, गाड़ी एसी चालू कीजिए। लोग यहाँ से निकल रहे हैं एयरपोर्ट से, और वहाँ पे चेकिंग हो रहा है ना निकलने से पहले। आज के समय जो चेकिंग हुआ है ना, वही चेकिंग हो रहा है। क्या कर रही है, देखिए तो गियर लगा रही है, देखिए इसको गियर लगा रही है ना। हाँ देखिएगा, लड़ाइएगा ना, गियर लगा दे रहे बटरी, गियर लगा दो, अब चलाइए, गियर लगाएगी। हाँ तो 20 रुपया कैसे 60 रुपया ले रहे हैं? अभी तुरंत कोई नहीं आया था, कब खोज रहे? हाँ बोले कि तुरंत आए, हम लोग बोल रहे हैं कि 60 रुपया दीजिए, हम लोग दिए 20 रुपया। बोलो अब बोलो बोलो किधर जाना है? इधर बोले थे ना जाने के लिए, मुड़िएगा ना, इधर आ जाइएगा। दोस्तों ये देखिए कुछ लोग ना देख रहे हैं एरोप्लेन उड़ते हुए, वो देखिए चढ़ गई है सब, वो देखिए। हम लोग भी आए हैं लेकिन पता ना दिखेगा भी कि नहीं, ये देखिए सब चढ़े हुए हैं। आप भी देखेंगे, आप क्या गाड़ी पर चढ़ेंगे? हम नहीं, देखने का मन मुड़ा जाए ना, देखने का मन करा लेकिन देखेंगे कैसे। अरे इनको देखो मोटरसाइकिल पर चढ़े हुए हैं यहाँ पे देखिए, इस गिर जाएंगे तो क्या होगा। इस अंकल का देखिए हाल, मोटरसाइकिल पर चढ़ के देख रहे हैं, दिखेगा थोड़ी। चल तुम भी, हमको लग रहा है ना वो लोग वीडियो जो बनाया था यूट्यूबर वन उस पे चढ़ा हो। चल तुम भी चढ़ जाओ देख लो। नहीं दादा गिर जाएंगे तो उसे महंगा पड़ेगा, चलिए मुड़ते हैं। इनको कैसे देख रहे, देखिए ना ये लोग, लड़की लोग लड़के लोग कैसे देख रहे हैं। मुड़ा जाए दोस्तों, बाइक पे तो लोग चढ़ के देखे रहे हैं, अब बाकी यहाँ पे भी देख लीजिए, देख लीजिए ये लोग पेड़ पर चढ़े हुए हैं जहाज देखने के लिए। हम लोग सोच रहे थे कि हम ही लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, सिर्फ देखने के लिए आए हैं। देख लीजिए उधर है जहाज, ये है बाउंड्री, देख लीजिए ये है बाउंड्री, गजब गजब के लोग फरे पड़े हैं, देख रही हो। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे पेज को फॉलो कीजिए।